नमस्कार जी, मैं मंजू। विंटर गार्डन की आप तैयारी कर रहे हैं, और अगर क्रिसेंथिमम ना हो तो गार्डन कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। तो विंटर गार्डन में क्रिसेंथिमम जो जैसे जब भरे भरे पोट पूरे ऐसे फूलों से भर जाते हैं तो बात ही कुछ अलग होती है। और ये कई रंगों में कई तरह के ये पाए जाते हैं, तो इस तरह से ये देखिए पूरे सारा गार्डन ये भर जाता है। और अगर खाली आप सिर्फ यही क्रिसेंथिमम ही ग्रो करें तो भी बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो आज मैं मोटे तौर पे क्रिसेंथिमम के बारे में आपको जानकारी दूंगी और आप इसे इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो ये पेरिनियल प्लांट है, सदाबहार पौधा है, हमेशा ही रहने वाला पौधा है। तो बस थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और उस तरह से अगर आप केयर करते हैं तो ये सालों साल हमारे गार्डन में बने रह सकते हैं। तो इन्हें आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो कटिंग लगाने के लिए जैसे जो ठंडी जगहें होती हैं, जैसे मई वगैरह में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, गर्मी होती है बट जैसे ऐसा मौसम होता है कि कटिंग लग जाए, तो मई में भी वो कटिंग लगा सकते हैं। तो बोलने का मतलब है वो पूरा साल भर इसकी कटिंग्स तैयार कर सकते हैं। तो वैसे ही हिमाचल वगैरह में जो जून में ही कटिंग्स इसकी लग जाती हैं, और हमारे जहाँ जैसे मैं झांसी में रहती हूँ तो टेम्परेचर जो गर्मियों में 48 डिग्री तक चला जाता है, और कई बार उससे थोड़ा ऊपर भी चला जाता है, और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और जून में भी गर्मी होती है। तो हमारे यहाँ फिर जुलाई से लेके आप फरवरी तक आराम से इसकी कटिंग तैयार कर सकते हैं, अगर ऊपर वाले की मर्जी रही। अगर मार्च में भी अगर ठीक रहा, वैसे तो हमारे मार्च में गर्मी आ जाती है, तो जिन जगहों में मार्च में भी ठंडक बनी रहती है तो वो फिर इसे मार्च में भी इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं। चूँकि मैंने आपको बताया कि ये एक पेरिनियल प्लांट है, सदाबहार पौधा है, तो कटिंग आप जब मर्जी इसकी तैयार करो तो वो आपके गार्डन में तैयार हो ही जाएगी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अभी इसी सीज़न में हमने कटिंग लगानी है तो इसी में ही ये फ्लावर्स दे, तो आप जो जैसे ही आपके यहाँ बरसात स्टार्ट हो जाती है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो ठंडी जगहों वाले हैं तो वो तो पूरा साल ही लगा सकते हैं, और आप जुलाई से लेके फिर आप जो फरवरी तक लगा सकते हैं। और फरवरी वाली तो फूल तो नहीं देगी, पर आगे जाके फिर वो फूल देगी, और जो वैसे आप जुलाई से लेके सितंबर तक इसकी कटिंग्स जो है लगा सकते हैं, और फूल आपके फिर ज़रूर आएंगे। तो कटिंग्स किस तरह से लगानी है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो जो पौधे आपके तैयार होते हैं, बस उन्हें जो पुराने वाले जो पौधे होते हैं जिन्हें मदर प्लांट हम बोलते हैं, उनसे कटिंग्स लेते हैं, तो उन पे जो फूल है नवंबर महीने से आने स्टार्ट हो जाते हैं, और बाकी जो हम न्यू कटिंग्स लगाते हैं वो फिर दिसंबर में फूल उनके भरपूर आते हैं। तो दिसंबर महीने में जो है बहार आई हुई होती है। तो ये जो मेरे गार्डन में आप ये फ्लावर्स खूब सारे देख रहे हैं, ये मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैंने बहुत टाइम पहले जो मेरे पड़ोस में क्रिश्चियन आंटी रहती हैं उनसे मैंने कटिंग ली थी, वो लगे बर्ड्स भी लगे थे और इस पर फूल भी आ रहे थे, तो वो तैयार मेरी हो गई थी और कई सालों से मेरे गार्डन में है। तो ये मैंने सीड से तैयार किए हैं, तो सीड मैंने 15 फरवरी को डाल दिए थे, जब फूल इसके सूख गए थे तो उनमें से बीज निकाल के डाल दिए थे, और फिर बरसात के टाइम जो 4 दिन में इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है, और जब बरसात के टाइम ये ही मदर प्लांट बन गए थे तो कटिंग्स लेके भी मैंने तैयार किए। तो सीड से लगाने का एक फ़ायदा ये रहता है कि हमें कई सारे रंग और भी मिल जाते हैं। तो जब इस टाइम जैसे ये खिल रहे हैं तो क्रॉस पोलिनेशन से जब जो सीड होते हैं तो वो कई रंगों के पौधे तैयार कर देते हैं। तो मैं ये आपको दिखाती हूँ, जैसे ये इस रंग के हैं तो ये कलर मेरे और तैयार हो गया है, तो ये देखो ये नया तैयार हो गया। ये फूल का साइज़ जो है छोटा है, बट रंग इसका कुछ ज़्यादा डार्क कलर का है, वो थोड़े लाइट कलर के हैं, तो ये नया एक तैयार हो गया है। तो ये मैंने सीड से जो ग्रो किए थे, तो ज़रूरी नहीं कि सीड से जो हमने एक्चुअल कलर लगाया वो ही आता है, वो भी आता है और दूसरी तरह के भी आ सकते हैं, दोनों तरह के आ सकते हैं। तो ये है, और लगाने कैसे हैं कटिंग से ये बताती हूँ मैं आपको, और सीड से ग्रो करने पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो मेरा आप सर्च कर सकते हैं। तो इनकी कई सारी वैरायटी होती है, ये जैसे कि बटन वाले, तो ये भी भर भर के आते हैं, ये भी आप लगा सकते हैं, और
जो आपका मन करे आप सब रंग अपने गार्डन में रख सकते हैं। तो इस तरह से फूलों से भरा गार्डन फिर बहुत ही खूबसूरत ये नज़र आता है। तो अब चलिए हम कटिंग लगाते हैं। तो आप इस तरह की कटिंग्स ले सकते हैं, जितनी छोटी कटिंग होती है उतनी जल्दी चलने के चांसेस जो ज़्यादा रहते हैं उनके। ये बड्स लगी भी रख सकते हैं, तो ये एक दो पत्ते हटा सकते हैं, और जब सर्दियों का मौसम होता है ना भी हटाएं तो भी ये इजीली चल पड़ती हैं। और बस कुछ नहीं है, इस हिस्से को ये दबा देना है। तो मैंने ये पानी जो मिट्टी ये गिल्ली कर ली है, और बस ये इस तरह से ये लगा देनी है। ये बर्ड्स लगी भी लगा दी, ये भी चल जाती हैं। और ज़्यादा बर्ड्स हों बड़ी हो और ऐसे दबा देना है ऐसे इस तरह से, और कटिंग लगा के इनको छाया वाली जगह में आपने रखना है। तो कुछ दिनों में ही रूट्स बन जाएंगे, और रूट्स जब आना स्टार्ट हो जाएंगे, अच्छे से चलना शुरू हो जाएंगे, तो फिर आपने इसमें धीरे धीरे धूप का टाइम बढ़ाना है। तो आप अलग अलग तरह की कटिंग्स लेके शैलो पॉट में भी लगा सकते हैं। तो ये छोटी सी एक वेस्ट मटेरियल कोई ट्रे है मेरे यहाँ, तो इसमें पता नहीं 1 इंची या 1.5 इंची मिट्टी आती होगी, तो इसमें भी ये मैंने ये कटिंग्स लगा रखी हुई हैं, तो अलग अलग तरह की। तो इस तरह से ये इनमें कई तरह के फ्लावर्स जो हैं फिर इकट्ठे एक जैसे खिलते हैं, और ये बहुत ही अच्छे बढ़िया लगते हैं। विंटर में इनके फ्लावर्स जो हैं किसी भी तरह के पॉट में लग जाते हैं, बट जब गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों में जब इनके पौधों को बहुत ज़्यादा हीट मिलती है इनकी रूट्स को, तो वो और पानी बरसात होती है, तो काफ़ी सारे पौधे हमारे मर जाते हैं। तो अगर सीमेंट पॉट में हो, और सीमेंट पॉट के अलावा उसमें मिट्टी के पॉट में हो, तो काफ़ी सारे चलने के चांसेस हो जाते हैं। हाँ, उनमें भी जो ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया होना चाहिए, कई बार उनमें भी मर जाते हैं। बट जो प्लास्टिक पॉट में है ना, काफ़ी सारे हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो वैसे मैंने प्लास्टिक पॉट में ही लगा रखे हुए हैं खूब सारी कटिंग्स, जो इसमें मेरी बरसात के टाइम जो ख़राब भी हो गई थी, मर भी गई थी, और कुछ बच भी गई थी, और कुछ मैंने सीमेंट पॉट में भी खूब सारी लगा रखी थी, और कुछ सीमेंट पॉट में भी मेरी मर गई थी। तो वैसे मैं बात कर रही हूँ कि उनमें मिट्टी और सीमेंट पॉट में ज़्यादा जो रहने के बचने के चांसेस होते हैं, और इनमें जो दूसरे में प्लास्टिक में हीट ज़्यादा मिलने से खूब सारी कटिंग्स जो, क्योंकि मॉइस्चर उड़ता भी नहीं है, और फिर ज़्यादा गीला रहने से मर जाते हैं पौधे। तो आप इस तरह के 50 रुपये के टब में ये इस तरह से भी पूरा कई तरह के इकट्ठे लगा सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो मेरे ख्याल आप समझ गए होंगे, इस तरह का क्रिसेंथिमम गार्डन तैयार करना चाहते हैं तो आप फिर मेरे तरीके से कटिंग्स लगा सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी मैंने ग्रो करना सिखाया है तो इतने गार्डन में फूल कैसे खिले हैं, तो